कई बार हम आवश्यक कार्य करने से पहले अपने आप से कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों में कार्य की सफलता से लेकर असफलता और कई बातें भी शामिल रहती है। व्यक्ति स्वयं से प्रश्न पूछते समय स्वयं के नकारात्मक बातों को पहले रखता है, पर भीतर ही भीतर नकारात्मक प्रदृश्य भी उमड़ता रहता है। इस कारण कई बार व्यक्ति सफलता निश्चित होने के बावजूद असफलता हाथ लगती है। असफलता मिलने के बाद व्यक्ति सोचने लगते हैं और फिर उन बातों को याद करने लगते हैं जब उसने मन में असफलता की बातें घूम रही थी। दरअसल अपने भीतर की आवाज़ सुनने के लिए व्यक्ति को काफ़ी सजग रहना पड़ता है, क्योंकि मन तो मन है, उसमें विचारों का प्रवाह चलता रहता है और लगातार चलता रहता है। इन विचारों में स्वयं के व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुरूप क्या ठीक हो सकता है, इसका चयन करना जरूरी है। इन विचारों में सकारात्मकता और नकारात्मकता रहती है और व्यक्ति को दोनों विचारों में से स्वयं के अनुरूप विचारों का चयन करना होता है। इन विचारों का न केवल चयन करना होता है बल्कि उसका मनन भी करना होता है। कई बार युवा साथी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, असफलता मिलने पर इंटरव्यू लेने वाले पर या कंपनी पर ही आरोप जड़ देते हैं, जबकि गलती उनकी स्वयं की होती है और वे जानते हैं कि गलती अपनी ही है, पर स्वयं गलती कौन होता है, लिहाजा कंपनी ही गलत है, ऐसा प्रचार करते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तब यह तथ्य सामने आता है, चाहे इंटरव्यू हो या फिर अन्य कार्य हो, आपको स्वयं के आत्मविश्वास पर कार्य करने की सफलता के बारे में पता होता है और यह पता भीतर से ही चलता है। भीतर की आवाज़ सुनने कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं बल्कि यह सामान्य प्रक्रिया है और सभी इस तरह से सोचते हैं और भीतर की आवाज़ सुनते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि व्यक्ति प्रयत्न ही न करें और असफलता मिलने की आशा है, इस कारण कोई कार्य ही न करें। कार्य करें और अपनी ओर से पूर्ण मेहनत के साथ कार्य करें। अगर मन में जरा सी भी शंका हो तब उस शंका का निवारण जरूरी है, क्योंकि यह मन ही है जो आपको सच से साक्षात्कार करवाता है और सत्य बात आपके सामने बिना लोग लपेट के रखता है। अगर आपने मन के विचारों को मानना आरंभ कर दिया है तब सत्य बात आपके सामने नहीं आएगी और स्वयं से झूठ बोलने लगते हैं। यह स्थिति मनमर्जी की होती है। दरअसल प्रयत्न और भीतर की आवाज़ सुनने में एक तरह से संतुलन बैठाना होता है और जिसने सही तरीके से संतुलन बिठा लिया उसे सफलता की दर बढ़ने की संभावना रखती है, क्योंकि वह अपनी गलतियों को स्वयं के सामने रखने का मुद्दा रखता है। किसी भी कार्य को करने के लिए मन की आवाज़ और अपने प्रयत्नों को संतुलन रखना चाहिए, तभी आप किसी भी काम में सफलता हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।